हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कोलकाता पुलिस में जो केस वर्कर का यानी कि एक हॉस्पिटल रिक्रूटमेंट निकला है उस पोस्ट का नाम है केस वर्कर और एक है सेंटर एडमिनी स्टेटर, एक पोस्ट का नाम है। ठीक है, इसमें दो पोस्ट है और इसमें क्या एज लिमिट रखा गया है, कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें क्या एप्लीकेशन फीस क्या लगेगा और इसमें क्या आप ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन कर सकते हैं, वो आपको हम सारा जानकारी देंगे। तो वीडियो को आप स्किप ना करें, पूरा वीडियो आप ध्यान से देखें तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम आपको नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलते हैं। देख सकते हैं हम नोटिफिकेशन की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर साइड में क्या दिया हुआ है, सोईसाली कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लेक कोलकाता 7,64। ठीक है, और इसका मेमो नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 1724/SWD और इसका डेट देख सकते हैं 7 नवंबर 2023, यानी कि 7 नवंबर 2023 को इसका डेट यानी कि रिलीज फॉर्म कर दिया गया था। तो इसमें हम आपको बताते हैं कि इसमें एप्लीकेशन फीस क्या लगेगा। तो देख सकते हैं पोस्ट यहाँ पर दो पोस्ट, जैसे कि मैंने कहा था दो पोस्ट है, एक सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर है और एक केस वर्कर है। ठीक है, सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर में यहाँ पर देख सकते हैं एज लिमिट 45 ईयर तक रखा गया है, यानी 45 साल तक एज लिमिट यहाँ पर रखा गया है। इसमें अगर हम क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, यदि वो ग्रेजुएट भी हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनका पोस्ट ग्रेजुएट है वो अप्लाई कर सकते हैं और जिनका पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है तो वो ग्रेजुएशन पास पर भी इसे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर देख सकते हैं इसमें क्या मांगा जा रहा है, एक नंबर में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड प्रोफेंसी MS ऑफिस पैकेज। ठीक है, सेकंड नंबर में क्या बोला जा रहा है, प्रोफेंसी इन स्पीकिंग रीडिंग एंड, और साथ ही साथ तीन नंबर में क्या बोला जा रहा है कि वर्किंग एक्सपीरियंस मिनिमम 3 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस आपको इसमें मांगा जा रहा है। ठीक है, और इसमें टोटल पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं एक वैकेंसी है और यहाँ पर देख सकते हैं इसका सैलरी कितना रखा गया, 30,000 आपको सैलरी मिलेगा और ये जो पोस्ट है ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है। ठीक है, और रेसिडेंट ऑफ यानी कि आपका मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया। ठीक है, सेकंड पोस्ट का नाम है केस वर्कर, इसमें मैक्सिमम 35 ईयर्स एज रखा गया है। आर्ट्स साइंस कॉमर्स वाले स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें देखिए सेम आपको MS ऑफिस आपको मालूम होना चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड प्रोफेंसी इन MS ऑफिस पैकेज, और सेकंड में भी सेम है प्रोफेंसी इन स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, और 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस, इसमें टोटल दो वैकेंसी है। ठीक है, SC में एक वैकेंसी है और जनरल में एक वैकेंसी है। ये जो दोनों पोस्ट है ये फीमेल लोग के लिए है, मेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसमें जो सैलरी रखा गया है 15,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगा और ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है। सेम यहाँ पर भी वही कहा जा रहा है कि मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन एरिया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसका आपको सिलेबस भी मिल जाता है, मार्क्स के हिसाब से यहाँ पर देख ले, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। और ये फॉर्म जो है ये ऑफलाइन फॉर्म है, यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि कहा जा रहा है एप्लीकेशन विद डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट आर टू बी ड्रॉपेड इन द ड्रॉप बॉक्स प्लेस एट द डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल सोईसाली कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लेक सेक्टर 1 7,64। यानी कि ये जो फॉर्म है आप स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट इस माध्यम से आप नहीं भेज सकते हैं, आपको इस एड्रेस में जाकर इस ड्रॉप बॉक्स होगा वहां आपको जाकर जमा देना है। यहां पर देख सकते हैं इसका फॉर्म 22 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है और फॉर्म का जो लास्ट डेट रखा गया है 13 दिसंबर वेडनेसडे का दिन इसका रखा गया है, यानी कि 13 दिसंबर का यहाँ पर देख सकते हैं टाइमिंग क्या रखा गया, 11 बजे से लेकर 4 बजे के अंदर आपको जमा दे देना है लास्ट डेट में। इसमें आपको सारा डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा जैसे कि 10 क्लास का मार्कशीट, एडमिट कार्ड, 12 क्लास का मार्कशीट और आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ये सारा आपको डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके और एक इन्वेलम में उसे भरकर आपको जमा देना है। इस फॉर्म का लास्ट डेट जो है 13 दिसंबर को रखा गया है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ लाइन बाय लाइन दिया गया एज प्रूफ में क्या देना पड़ेगा, एज प्रूफ, एडमिट कार्ड, सर्टिफिकेट सेकेंडरी, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको सारा यहाँ पर डिटेल इसका मिल जाएगा। इसमें आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस आपको नहीं जमा देना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको फॉर्म की तरफ लेकर चलते हैं, देख सकते हैं इसका एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ हम आ चुके हैं। इसका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं आपका नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाई फॉर, कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, यहाँ पर आपको टिक मार्क करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं लिखना है, जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उसका टिक मार्क आपको कर देना है। और यहाँ पर देख सकते हैं पेस्ट योर सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, यहाँ पर आपको फोटो लगाकर इसके ऊपर आपको साइन कर देना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि फॉर्म नॉर्मली होता है फादर नेम, मदर नेम, नेम ऑफ द कैंडिडेट, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, ठीक है, कैटेगरी क्या है, ये सब आपको यहाँ पर दे देना है। ये सारा फॉर्म को आपको फिलअप करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको बता देते हैं एग्जामिनेशन पास में क्या देना है, आपको जो जो डिटेल देना है, जैसे कि आपको 10-12 ग्रेजुएशन से अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर 10 क्लास लिख कर 10 क्लास का बोर्ड लिख दें, ईयर ऑफ पासिंग लिख दे, मार्क्स ऑब्टेन आपको कितना मिला है और टोटल मार्क्स कितना है और परसेंटेज यहाँ पर दे देना। सेम 12 का भी सेम, ग्रेजुएशन का भी सेम,
पोस्ट ग्रेजुएशन का भी सेम, और अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज हो तो यहाँ पर लास्ट में कंप्यूटर नॉलेज वाला कुछ भी यहाँ पर एमएस ऑफिस या जो भी हो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। लेकिन याद रहे, कंप्यूटर अगर आपके पास है तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई करें, क्योंकि ये मस्ट है, कंप्यूटर नॉलेज इसमें चाहिए चाहिए। जैसे कि एक्सपीरियंस के बारे में कहा जा रहा था, तो इसमें एक्सपीरियंस डिटेल्स भी आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर आप कौन सा डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, एज प्रूफ, रेसिडेंशियल प्रूफ, आधार कार्ड, ये सारे चेकबॉक्स पर आपको टिक मार्क का निशान आपको दे देना है। उसके बाद डिक्लेरेशन में यहाँ पर क्या लिखना है, आई आपका जो नाम है डू यहाँ पर देकर हेयर बाय डिक्लेयर दैट, ये तो लिखा ही हुआ है। यहाँ पर आपको एक डेट दे देना है और प्लेस दे देना है, और यहाँ पर आपको फुल सिग्नेचर आपको अपना कर देना है, ठीक है। इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको जितना डॉक्यूमेंट्स है सभी डॉक्यूमेंट्स का सेल्फ अटेस्टेड करके आपको ड्रॉप बॉक्स में जाकर फेंक कर आना है। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर मेरे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले पता चल सके।